चाणक्य नीति पुस्तक का नाम आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा, जिनके लेखक हैं आचार्य चाणक्य। और यह पुस्तक आचार्य चाणक्य ने अपने पूरे जीवन काल में जो भी अपने लाइफ से सीखे थे और जो बातें अच्छी थी, उसी बातों को इस पुस्तक में ऐड किए गए हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो इस पूरी पुस्तक पढ़ लेगा वो एक विद्वान व्यक्ति बन जाएगा। सभी लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकें। इस पुस्तक में टोटल 17 अध्याय हैं। आज के इस वीडियो में मैं अगले 10 मिनट में आप सभी को चाणक्य नीति के अध्याय 1 का पूरा सार देने वाला हूं, जिसमें लगभग में 17 श्लोक हैं अध्याय 1 में। अगले 10 मिनट के लिए मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और आपको अगले 10 मिनट में मैं चाणक्य नीति के अध्याय 1 का पूरा सार दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले श्लोक में आचार्य चाणक्य बोलते हैं, मैं तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों को जमा किए गए इस रणनीतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। नंबर 2, समझदार पुरुष इस शास्त्र का उपयोग करके यह समझ जाएगा कि यह संसार में क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा क्या धर्म है क्या अधर्म है। इस ज्ञान इस ग्रंथ से प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, अब मैं अपने सामने वह ज्ञान रखने जा रहा हूँ जिससे जानने के बाद व्यक्ति विद्वान बन सकता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता आ सकती है, वह एक बात समझ जाता है कि क्या करना चाहिए और कब करना चाहिए। नंबर 4, मूर्ख शिशु को ज्ञान देना, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करना, धन का नष्ट होना तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। नंबर 5, बुरे स्वभाव वाली, कठोर और कड़वे वचन बोलने वाली, गलत आचरण रखने वाली स्त्री, धोखेबाज मित्र, उल्टा जवाब देने वाला मुफ्त नौकर और अपने ऐसे घर में निवास करने से जहां सांप रहने की संभावना हो, ये सब बातें आपकी मृत्यु के समान है। नंबर 6, व्यक्ति को चाहिए कि वह मुसीबत के समय के लिए धन बचा कर रखे और अगर स्त्री की रक्षा के लिए वह धन भी खर्च करना पड़े तो वह कर दे, परंतु स्त्री और धन से भी अधिक आवश्यक है व्यक्ति सबसे पहले अपने खुद की रक्षा करे। नंबर 7, मुसीबत के लिए धन की रक्षा तो करनी ही चाहिए, परंतु धनी व्यक्ति को आपत्ति से क्या लेना देना, वह सोचता है कि धन से हर विपत्ति का सामना किया जा सकता है, परंतु धनी व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि लक्ष्मी का स्वभाव तो चंचल है, वह कभी भी किसी भी व्यक्ति को छोड़कर जा सकती है। नंबर 8, जिस देश में आदर सम्मान ना हो और आजीविका का कोई साधन ना हो, जहाँ के लोगों को आपस में भाई बंधु जैसा संबंध ना हो और रिश्तेदार भी ना हो तथा किसी भी प्रकार के गुणों विद्या प्राप्त करने के लिए संभावना ना हो, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए, ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है। नंबर 9, जहाँ वेद मानने वाला ब्राह्मण, धनी मानने वाला व्यक्ति, राजा, नदी, चिकित्सक ये 5 चीजें नहीं है, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। नंबर 10, जहाँ जीवन चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय ना हो, लोगों में शर्म ना हो, व्यक्तियों में अच्छा आचरण ना हो, उदारता ना हो, अर्थात उसमें दान देने की आदत ना हो, जहाँ ये 5 चीजें नहीं हो वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। नंबर 11, अधिक कार्य करवाने वाले नौकर चाकरों की, दुख आने पर रिश्तेदारों की, कष्ट आने पर मित्रों की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परख का ज्ञान होता है। नंबर 12, किसी बीमारी के हो जाने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की तरफ से मुसीबत आने पर, राजसभा में, शमशान अथवा किसी के मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा मित्र माना जाता है। नंबर 13, जो व्यक्ति निश्चित अर्थात जो हो सकता है इसे छोड़कर अनिश्चित जो नहीं हो सकता है उसके पीछे भागता है या समय बर्बाद करता है, वह असफल हो जाते हैं। नंबर 14, बुद्धिमान व्यक्ति को अच्छे गुणों वाली कुरूप कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, परंतु इसे बुरे आचरण वाली सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। नंबर 15, बड़े बड़े नाखूनों वाले जानवरों, विशाल नदियाँ, बड़े बड़े सिंह वाले आदि पशुओं, ऐसे लोग जिनके पास हथियार हो, राजा से संबंधित
कुल वाले व्यक्तियों इस नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 16, विष में अमृत भी हो तो उसे ग्रहण करें। अपवित्र और अशुद्ध वस्तुओं में यदि कोई कीमती सामान हो तो उसे उठा ले। यदि नीचे मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या कला हो तो उससे सीख ले। इसी प्रकार नीचे कुल की कन्या अगर गुणी हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 17, आदमियों के मुकाबले औरतों को खाना दोगुना होता है, बुद्धि 4 गुना होता है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुनी होती है। तो मिलते हैं हम दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।